आप भी कर सकते हैं। नहीं, पावर बीआई की हमारी पहली क्लास है, हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है, लॉगिन आईडी करके लॉगिन कर ली है, वेब कंसोल को देख लिया है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, सबसे पहले जो पहला विंडो आता है पावर बीआई का, कुछ इस तरह का विंडो आता है जिसमें आपके पावर बीआई की लर्निंग ट्यूटोरियल्स जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं, लर्निंग ट्यूटोरियल्स है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके इसके बाद यहाँ पे रिसेंटली जो डेटा आपने यूज किया है उसका डिटेल्स आएंगे, गेट डेटा और रिसेंट रिसोर्स भी आता है। फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ। सामने जो विंडो दिखता है ये आपकी पावर बीआई की विंडो है, राइट। अब इसमें जो अगला ऑप्शन जो यहाँ पे आता है वो आता है कि हम इस पे क्या करें। तो देखिए, सबसे पहला जो काम होता है वो डेटा को क्या करना होता है, इंपोर्ट डेटा को करना। अपो हाँ मतलब इसके अपलोड। अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है तो पहले आपको डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कई सारे के देखेंगे, बहुत सारे टाइप ऑफ द डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कि फिलहाल मैं एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कर रहा हूं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करें, अपने डेटा को सिलेक्ट करें एंड ओपन करें। और एक बार में मैं कई सीट का डेटा ला सकता हूं। देखिए, डेटा इंपोर्ट करते समय इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो डेटा है वो डेटा की स्टार्टिंग जो है वो पहले रो से होनी चाहिए। जैसे एक्सेल सीट पे डेटा जो है आपका पहले रो से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे इस तरह का डेटा है, इसमें हेडिंग वेडिंग नहीं है, तो ये नहीं पिक कर पाएगा, पिक करेगा तो गलत करेगा, समझे। ब्लैंक कॉलम भी नहीं होना चाहिए, वरना पूरी तरह से ब्लैंक है तो डेटा वहीं तक पिक कर लेगा, आगे का डेटा पिक नहीं करेगा। या फिर आप अगर दिक्कत है ज्यादा तो इस डेटा को सिलेक्ट करके टेबल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर, इसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, जिस कारण से आपका देखिए यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में है तो टेबल वन को इसने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, ठीक है। तो टेबल फॉर्मेट में है तो इसका कोई टेबल फॉर्मेट में ये ब्लैंक भी ले लेगा, ब्लैंक कॉलम ले लेगा, हाँ, जो भी टेबल के अंदर में होगा ले लेगा, ठीक है। अब एक साथ में कई सारे सीट को इंसर्ट कर सकता हूं इस तरह से, तो लेकिन फिलहाल मैं एक एक सीट को ही इंसर्ट करता हूं, तो मैंने टेबल को सिलेक्ट करके लोड कर दिया। यह एक ट्रांसफॉर्म भी है, इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, फिलहाल हम लोड पे क्लिक करते हैं। लोड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका टेबल यहाँ भी इंपोर्ट हो रहा है, और जितने भी उसके अंदर हेडिंग्स थे वो सारे हेडिंग्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। और डेटा देखिए, पावर बीआई के तीन व्यू होता है। पहला जो भी देख रहे हैं इसको रिपोर्ट व्यू हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा डेटा व्यू, टेबल व्यू, जहां पे आपके डेटा जो इंपोर्ट हुए हैं वो पूरा विजुलाइज होता है, और साथ में इसमें हम किस तरह की चेंजिंग करना चाहें, कुछ कैलकुलेशन करना चाहें, कोई हटाना चाहे, कोई लाना चाहे, वो चीजें मैं यहां से कर सकता हूं। तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं मॉडल व्यू। मॉडल व्यू क्या होता है, जैसे कि आपके पास कई सारे टेबल आपने इंपोर्ट किए हुए हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं मॉडल व्यू को। क्लियर है? क्लियर है। वापस हम रिपोर्ट व्यू पे आते हैं, तो पिवट टेबल में आखिर रिपोर्ट बनता क्या है, आपने डेटा को ऐड कर लिया, डेटा के सारे टेबल्स, डेटा फील्ड सारे यहाँ पे नजर आ गए, ये आपकी विजुलाइजेशंस है, बस आपको अपना विजुलाइजेशन पिक करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ ये वाली चार्ट कर्सर्ड कॉलम चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर कॉलम चार्ट का एक प्रोफॉर्मा आ गया, साइज आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं, और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं जहां पोजीशन रखना चाहे। अब इसके बाद यहाँ इसके डिटेल्स आ गए, एक्सिस, लेजेंड, वैल्यू। तो अगर ये समझ में फिलहाल ना आ रहा हो तो आप इसे मुझे नेम को पिक करके मैं इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, जैसे पिवट टेबल में करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्सिस में चला गया। फिर मैंने सिटी लिया, क्वांटिटी लिया, इसके अंदर हमें पुट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू में चला गया और एक विजुलाइजेशन आपके सामने तैयार हो गया, समझे। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी।
अब यहाँ पे लेजेंड क्या है, अगर मैं नाम को अगर लेजेंड पर रख दूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो लेजेंड मतलब क्योंकि मान लीजिए कि नेम बाइज है, अब एक बंदे ने कई सारे चीजों सिटी में सेल किया, तो सिटी को हमने लेजेंड पे रख दिया, तो ये देखिए सिटी के हिसाब से हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया लेकिन सिटी के हिसाब से हो गया कि भाई जो ब्लू है वो दिल्ली का है, जो ये दिख रहा है आपको, सॉरी ग्रीन है, डार्क ब्लू है वो जीजीएन है, ये जीजीएन का है, लेकिन ये सही तरीके से नहीं दिखा। और एक ही एक्सिस में आप दो दो भी रख सकते हैं, लेकिन वो चार्ट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि चार्ट दो को सेटेक एक्सिस में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसने नहीं दिखाया, तो इसको हटा दे। तो आप चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ए चाहिए, स्कैट कॉलम चार्ट चाहिए, अब इसमें मैं सिटी को उठा के लेजेंड में रखता हूं, तो देखिए चार्ट के उतने पार्ट हो जाते हैं, समझ गए। तो जैसे पिवट टेबल में रखते हैं ऐसे, अब क्वांटिटी का टोटल आ रहा है, अब यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी कैलकुलेशन सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो आप पिवट टेबल में करते थे उस तरह से कर सकते। क्लियर है? क्लियर है। और एक ही पे, एक ही विजुलाइजेशन पे कई सारे चार्ट, कई सारे विजुलाइज क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं लीजिए, मैं यहाँ पे पाई चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, और पाई चार्ट को मैंने यहाँ पे रखा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे एरिया के हिसाब से कंट्रीब्यूशन पता चले सेल्स का, पता चल गया। तो इस तरह से कई सारे चार्ट को रख के हम इसको अरेन्ज करके एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ करने से पहले हमें अपना कॉलम को सही से देखना चाहिए। अब देखिए जैसे फील्ड आपको दिख रहा है, तो फील्ड की कैटेगरी यहाँ पे तीन टाइप की होती है, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट एंड नंबर, जिसमें इसमें सम ऑफ का साइन लगा है। देखिए आपको सम ऑफ का साइन लगा, समेशन का साइन, समीशन का साइन लगा है ना, इसका मतलब हुआ कि ये फिल जो है ये नंबर है, और जिसमें कुछ नहीं लगा है इट मींस वो टेक्स्ट है, और जिसमें कैलेंडर लगा हुआ है इट मींस वो डेट। उसके अलावा ग्लोब बना हुआ है तो ज्योग्राफिकल है, कैलकुलेटर का साइन है तो कैलकुलेटेड। तो ये चीजें आप डेटा में, अब जैसे मान लीजिए तो इसमें सिटी में ग्लोब क्यों नहीं बना, फिर सिटी भी तो ज्योग्राफी है। हाँ, क्योंकि डेटा चेंज नहीं हुआ ना, ज्योग्राफी का ऑटोमेटिक उसे रीड नहीं किया। अब यही पे बता रहा हूं कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एरिया में आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ले रखा है, क्या ये इसको भी वो ज्योग्राफिकली रिकॉग्नाइज करता है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ आपको ज्योग्राफिकल कैसे लेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी, आईडी मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए, नॉन कैलकुलेटिव डेटा है तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। समझे? हाँ समझ गया। उसके बाद तो इसको ऊपर देखिए, दिख रहा है ना डेटा टाइप, डेटा टाइप में क्या है, होल नंबर। अब इस होल नंबर को हटा के मैंने इसको कर दिया टेक्स्ट, ठीक है, करेक्ट। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ज्योग्राफिकल की बात कर रहा था, मतलब सिटी, अब सिटी का टेक्स्ट है लेकिन यहां पे क्या है, डेटा कैटेगरी जो कि नन कैटराइज, इससे नॉन कैटराइज डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि सिटी है, तो ये अब ग्लोब का साइन आ गया। अच्छा, सिटी होने से फायदा क्या होता है, ये आपका जो ए मैप चार्ट है ना, मैप चार्ट, जब मैप चार्ट आप डिजाइन करते हैं तो सिटी को सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और भी होता है, जैसे इस्लामाबाद या फिर मान लीजिए लाहौर या पंजाब, तो पंजाब आपका पाकिस्तान में भी है, पंजाब आपका इंडिया में भी है, पटना आपका स्कॉटलैंड में भी है, पटना आपका बिहार में भी है, तो जो पॉपुलर सिटी होगा ना उसको कैच करेगा, उसके लिए हम लोग लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग भी चलते हैं।
ठीक है सर, वो ये अपने आप ही ले लेगा बेसिकली, फिलहाल वो अपने आप ले लेता है, लेकिन वो जो है पॉपुलरिटी के हिसाब से लेता है, इंटरनेट के हिसाब से लेता है, और इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए जिस समय आप इसका यूज करें। ओके ठीक है, आगे बढ़े। हाँ प्लीज। और इसमें एक चीज और भी आता है, यहाँ पे समुदायेशन, जैसे मान लीजिए एमआरपी है तो नंबर, लेकिन समुदायेशन में सम है, मतलब जब आप यहाँ पे एमआरपी को रखेंगे, मैं टेबल फॉर्मेट में भी डेटा डेटा रख सकता हूँ, और यहाँ पे जब मैं एमआरपी को रखूंगा तो एमआरपी का यहाँ पे सम दिखेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी 24 रुपीज एमआरपी है, तो 22 का एमआरपी तो 24 नहीं है, ईच का एमआरपी वो है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ एवरेज दिखा है, तो यहाँ समराइजेशन को आप यहाँ पे एवरेज क्लिक करके एवरेज ले सकते हैं। अब मैं अगर मान लीजिए कि अपने डेटा में एमआरपी को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ एमआरपी को यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एवरेज आया, हालांकि मैं यहाँ से अपना चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं अगर मेरे को इसको 24 ही देखना है तो, क्योंकि एवरेज थोड़ी ना चाहिए होगा मुझे एमआरपी, एमआरपी तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होगी ना, यूनिट इनटू प्राइस होगा ना। नहीं, जैसे कि यहाँ पे एमआरपी एवरेज देने के ऊपर डिपेंड हुआ कि आप, जैसे कि ये देखिए आपका जो साया जो है नाम के, उसने बहुत सारे सेल्स किए हैं, तो एमआरपी सबका कोई एक ही दिखाएगा ना सम, क्योंकि ये समराइजेशन है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन ही दिखाएगा ना, सम ले लीजिए, मैक्सिमम ले लीजिए, मिनिमम ले लीजिए या एवरेज ले लीजिए। अगर एंट्री एक एक एंट्री होती, जैसे कि साया की एंट्री एक ही एंट्री है, देन हम यहाँ पे 24 लेंगे ना, आ जाएगा। अच्छा आप ये कह रहे हैं ये मल्टीपल इंस्टेंसेस आया के, जी हाँ, तो उसका एवरेज उसने ले लिया, इसलिए कि साया का एवरेज एमआरपी क्या है। अगर फिल्टर करते हैं, मान लीजिए आप साया को फिल्टर किए एंड ओके, तो आप देखिए साया कितनी एंट्री है, तो इतने सारे एमआरपी है, लेकिन डेटा यहाँ तो कुछ एक ही फिगर शो होगा ना। ओवरऑल उसका बिजनेस कितना रहा, समझे सर? ठीक है समझ गया। तो जस्ट लाइक पिवट टेबल, जैसे पिवट टेबल में होता है ना, उसी तरह से आपको करना है, राइट? ठीक है। तो डेटा, अब जैसे कि अब एक पावर पिवट के पिवट का मेन मोटिव यही होता है कि जो डेटा आपने कनेक्ट किया है, जब जो डेटा आपने कनेक्ट किया है उस डेटा के अकॉर्डिंग अपनी विजुलाइजेशन तैयार करना, एक नहीं कई सारे, यहाँ पे सीट इंसर्ट हो रही है, कई सारे विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं आप इस पे, और कई सारे डेटा भी ले सकते हैं एक साथ, कई सारे फाइलों का डेटा भी ले सकते हैं, और कई सारे शीट्स का भी डेटा ले सकते हैं, और कई सारे विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। क्लियर सर? हाँ क्लियर है सर। मेरे को इसमें ये पूछी होती है, जैसे हम ये शीट अपलोड करते हैं उस टाइम्स में जो एरर आती है उनको कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए अपलोड आते समय एरर जो, इसमें एरर कोई खास नहीं आता, इसमें अपलोड करते समय कोई एरर नहीं आता है, बस एरर कब आता है जब पहले साइन इन नहीं होगा, साइन इन करने के लिए बोलेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो दिक्कत होगा, या आपकी एक्सेस हटा दी गई है। तो जैसे मैंने अपलोड किया, सबसे पहले पूछना है सेव, क्योंकि मेरी ये फाइल जो है अनटाइटल है, मतलब कि सेव नहीं है, तो पहले मुझे इसको सेव करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको डी ड्राइव में, ई ड्राइव में 221 के अंदर में मैंने 1130 के नाम से सेव कर दिया, राइट? अभी अपलोड हो रही है, अपलोड होने वाला पूछ रहा है कहाँ अपलोड करना है, कोई डेस्टिनेशन ऑलरेडी, जितने भी फोल्डर होंगे वो फोल्डर लिस्ट आएगा, लेकिन मुझे जो सेव करना है माय वर्क स्टेशन पे। अब यहाँ पे अपलोड हो रही है तो आपकी पासवर्ड चेंज हो गई होगी, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या उस फोल्डर पे आपका रेटिंग ऑप्शन नहीं है, तो एरर आएगा, इसके अलावा कोई और एरर नहीं आएगा। मतलब अगर डेटा में किसी टाइप का ग्लिच है तो एरर नहीं आएगा? जैसा डेटा है सेम उसको ऑनलाइन उसको अपडेट अपलोड करता है, जब डेस्कटॉप वर्जन पे वर्किंग फाइन वर्किंग है तो फिर वेब वर्जन भी वर्क सही करेगा। मैंने जब एक दो बार किया है तो वो तो डेटा अपलोड में एरर दिखाता है, डेटा अपलोड दिखाता है। हाँ
कि कॉलम इज नॉट रिकॉग्नाइज, लास्ट कॉलम इज नॉट वो है, मतलब लास्ट कॉलम नॉट कंटेन डेटा, इस तरह से एरर आती है। आपका ब्लैंक कॉलम होगा इसलिए इस प्रॉब्लम होती होगी, तो उसको डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करके कॉलम डिलीट कर दीजिए यहाँ से। चलिए वो जब मैं अपने डेटा पे वर्क करूंगा तब दिखाऊंगा आपको कि वो क्या एरर्स हैं बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि मैंने भी अगर कोई डेटा, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, जब डेटा इंपोर्ट करें तो एक बार चेक कर लें डेटा को, डायरेक्ट फाइल सिलेक्ट करके अपलोड मत करें, एक बार डेटा को चेक कर लें कि डेटा सही तरह से डेटा फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर सही तरीके से वो डेटा फॉर्मेट में है देन उसको अपलोड करें, अगर सही तरीके से डेटा फॉर्मेट में नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उसको सही तरीके से डेटा फॉर्मेट में लाए। क्लियर है? क्लियर है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को? नहीं। उसके बाद इसको आगे करें, तो इसमें मैं बता रहा था आपको कि जो तीन व्यू है उसके बाद यहां देखिए आपके, देखिए तीन चीज होती है, ए आपका कैनवेस एरिया होता है, यहां से आपने शीट इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा ए आपका फील्ड होते हैं, यहाँ पे आपकी विजुलाइजेशन होती है और यहाँ पे विजुलाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे प्रॉपर्टी है। उसके अलावा तीसरा होता है फिल्टर, जैसे मान लीजिए मुझे इस रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर एरिया का ही देखना है, फिक्स करना है एरिया, तो मैंने एरिया को लिया और यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे बता दिया कि मुझे ईस्ट का देखना है, तो पूरा रिपोर्ट मेरा ईस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया, पहली चीज। तो यहाँ से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं फिल्टर, ये जो फिल्टर है सिर्फ हमारे इसके लिए है, एडिटर के उसके लिए है, मतलब कि जो यूजर व्यू करेगा वेब वर्जन पे या शेयर कीजिएगा वो इस पे एक्सेस नहीं कर पाएगा, अगर आपने उसको फुल एक्सेस नहीं दिया है तो, खासकर वेब व्यू पे, तो उस केस में हम लोग फिल्टर के लिए स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिल्टर के लिए हम लोग स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ स्लाइसर, इसमें हमने एरिया रख दिया और इसको मान लीजिए मैं कर देता हूं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसको अपने हिसाब से अरेंज करें, अभी क्या होगा कि जो भी इस रिपोर्ट को देखेगा इस स्लाइसर को भी आराम से देखेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो अभी जो है अभी आप लोग डेटा ऐड कीजिए, डेटा ऐड करके कुछ इस तरह के विजुलाइजेशन बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको कल से जो है एक एक चीज समझाएंगे, सबसे पहले डेटा को ऐड करना सिखाएंगे कि डेटा ऐड कैसे करें, क्योंकि इसमें जो मेन खेल होता है डेटा ऐड करने का खेल होता है, तो जब तक डेटा सही तरीके से आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका पीबीआई जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, एरर आएगा। करेक्ट।